हेलो यूट्यूब, आपका इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कस्टम योर के बारे में। ये हमने स्टार्टिंग वीडियोस में भी डिस्कस किया था। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम जब भी स्टार्ट में जब ब्लॉग बनाते हैं तो जो यूआरएल मिलता है बोलता है एज अ सब डोमेन मिलता है ब्लॉग स्पॉट का। अगर हम चाहते हैं खुद का यहाँ पे डोमेन नेम लगाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। सेटिंग में जाके बेसिक का यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस और यहाँ पे हमें इस वाले ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा आज की वीडियो में वो रहेगा एक कि एक डोमेन नेम हम कैसे बाय कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन नेम जैसे रहता है google.com, yahoo.com, gmail.com, तो ये सारे के सारे क्या है डोमेन नेम है। डोमेन नेम हम बाय कर सकते हैं, मैं दो रेफर करूंगा आपके लिए। एक गोडेडी से बाय कर सकते हो और एक होस्टिंगर करके एक आपका है प्लेटफॉर्म, वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है, होस्टिंगर से बाय कर सकते हो एंड गोडेडी से बाय कर सकते हो, बिगरॉक से भी बाय कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है, आप किसी भी टाइप का डोमेन नेम ले सकते हो। टॉप लेवल डोमेन ले सकते हो, लो लेवल डोमेन भी ले सकते हो। वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि टॉप लेवल लो लेवल क्या डिफरेंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोडेडी पे। गोडेडी पे डोमेन जब भी आप ओपन करोगे गोडेडी को, आपका होम स्क्रीन मिल जाएगा। होम स्क्रीन में यहाँ पे फाइंड अ परफेक्ट डोमेन नेम का ऑप्शन मिल रहा है सर्च का, तो यहाँ पे हम डोमेन नेम रख लेते हैं। अभी के लिए मैं चाहता हूँ मेरे को डोमेन नेम सर्च करना है डेविफाई आशीष, तो मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे वो सारी लिस्ट आ जाएगी जो जो अवेलेबल होंगे। अब बता रहा है कि devifyashish.com 199 में मिल रहा है। ऐसे अगर आप .com नहीं लेना चाहते तो और भी ले सकते हो। यहाँ पे नीचे करके आप स्क्रॉल करोगे तो सारे मिल जाएंगे, जैसे .club है, .online है, .club, ये सारे के सारे एक्सटेंशन हैं, डोमेन एक्सटेंशन। वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस, जैसे इंडिगोज़ो ने 70 रुपये का है। वैसे सेम आप होस्टिंगर पे जाके सर्च कर सकते हो। अगेन डोमेन पे जाना है आपको, डोमेन चेकर पे क्लिक करना और यहाँ पे आप लिख सकते हो जिस भी नाम से आपको डोमेन चाहिए। आप नीचे भी देख सकते हो ये सारे एक्सटेंशन होस्टिंगर पे आपको मिल जाएंगे, जैसे आप चाहते हो डेबिफाई शीट डॉट इन डॉट ऑनलाइन डॉट कॉम डॉट एक्स वाई डॉट लाइव, जिस भी तरह का चाहिए आपको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगा। वेरी कर सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, जैसे कॉम आपको थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा, डॉट ऑनलाइन या डॉट एक्स वाई जेड आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से लेना चाहते हैं। तो सर्चिंग तो हमने कर ली, सर्च करे बाद आपको क्या करना होगा, अगर आपको जैसे ये डॉट कॉम लेना है तो कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये कार्ट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ पे गोडेडी में सबसे पहले पूछ रहा है वी हैव एडेड प्राइवेसी, प्राइवेसी पॉलिसी आप ऐड करना चाहते हो ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई देख ना सके। और नॉर्मली क्या होता है, जिस जो भी डोमेन नेम लेता है उसकी इंफॉर्मेशन लोग सर्च कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि मैंने जो डोमेन नेम लिया, मैं उस डोमेन नेम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने उस डोमेन से अटैच करी है वो कोई दूसरा ना देख पाए, तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन ले सकते हो, पर अभी के लिए हम रहने देते हैं, नो थैंक्स। नेक्स्ट आता है क्रिएट ईमेल एड्रेस। ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो यहाँ पे डोमेन नेम है उसी से आपका एक ईमेल भी बन जाए तो आप इस सर्विसेज का भी यूज कर सकते हो। ये 29 रुपये पर मंथ है, बट अभी हम नहीं चाहते तो इसे भी मैं नो थैंक्स कर देता हूँ। लाइनक्स वेब होस्टिंग है, और अगर आप चाहते हो तो मिल जाएगी, बट अगर हम नहीं चाहते अभी होस्टिंग लेना नहीं चाहते, हम सिर्फ डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं, तो इसीलिए इसे भी नो थैंक्स कर देते हो। आप प्लान देख सकते हो, यहाँ पे 3 प्लान है आपके, इनके स्टार्टर प्लान, इकोनॉमी प्लान एंड डीलक्स प्लान। ये पर मंथ के हिसाब से आपको उतने स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, पर अभी के लिए हमें सिर्फ डोमेन नेम चाहिए तो मैं नो थैंक्स कर देता हूँ और कंटिन्यू कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक कर दूंगा ये लास्ट ऑप्शन पेमेंट पे हमको ले जाएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें ये बता रहा है कि हमारा जो डोमेन नेम ये है उसका प्राइस ये है। ये यहाँ पे ध्यान देना, ये साल के अकॉर्डिंग बता रहा है, 2 साल, आप इसे 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए बाय कर सकते हो। तो इसे मैं
कम करके 1 ईयर कर देता हूँ, तो 1 ईयर में प्राइस बता रहा है 849 का, इतना परसेंट ऑफ मिल रहा है और टोटल पड़ेगा आपको 9992 का। ठीक है, देन देना ये डॉट कॉम है तो इसलिए थोड़ा महंगा है, अगर आप डॉट एक्सपाई या डॉट ऑनलाइन लेते हो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ऐसे ही आप और भी लेना चाहते हो साथ में तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे डॉट इन्फो है तो 139 अराउंड 200 का पड़ जाएगा। ठीक है, बाई करने के लिए आपको ये लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्राइस पे करके आपको डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम हम गोडेडी सॉरी होस्टिंगर पर चलते हैं, होस्टिंगर में भी सेम ही है, जब आप सर्च कर लोगे, अब जैसे ये ऑनलाइन ही हमें अगर बाई करना होगा तो यहाँ टू कार्ट पे क्लिक करना, ये वेरीफाई कर रहा है कि ये अवेलेबल है या नहीं, तो ये है अवेलेबल, तो इसे कार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं, तो अगेन पेमेंट पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे बता रहा है कि टोटल प्राइस आपको 87 पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग ये टैक्सेस, जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करोगे तो ये पेमेंट के लिए ले जाएगा, आप पेपाल के थ्रू यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट स्टेप हमारा, जब भी हम चाहते हैं कि हमें कस्टम डोमेन अपनी साइट पे आपको लगाना रहेगा, तो पहला जो स्टेप है वो रहेगा आपको डोमेन बाय करना, डोमेन नेम बाय करना है, मैंने बता दिया आपको, आप गोडेडी पे जाके ले सकते हो, होस्टिंगर से भी ले सकते हो, इजीली सस्ता पड़ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्ट बिगिनर्स हो, स्टार्टर्स हो, तो आप ज़्यादा महंगा डोमेन नेम ना ले, लो लेवल डोमेन से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए फिर आप टॉप लेवल डोमेन ले सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और ऑल्सो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।